हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जीमेल अकाउंट को आप सेव कैसे कर सकते हो। अगर आपके जीमेल अकाउंट का डाटा लीक हो गया तो आप क्या करोगे, तो इसका पता आप कैसे लगा सकते हो और कैसे आप अपने मोबाइल के अंदर वो कौन सी सेटिंग कर सकते हो जिससे आपका डाटा अगर लीक होता है तो आपको पता चल सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आ जाना आपको अपने प्ले स्टोर के अंदर। प्ले स्टोर के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है, गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है। गूगल अकाउंट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप डायरेक्ट अपनी गूगल सेटिंग के अंदर आ जाओगे। गूगल सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख सकते हो सिक्योरिटी का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को ज़रूर मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो दो ऑप्शन देखने को आपको ज़रूर मिल जाएगा। एक तो यहाँ पर इनहेच सेफ ब्राउजिंग और यहाँ पर एक डार्क वेब, तो यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन को आपको कर देना ऑन। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ टाइम लगा, टाइम लेने के बाद इसको कर देना आपको ऑन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद यहाँ पर नीचे आना है, डार्क वेब रिपोर्ट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसको भी आपको कर देना है ऑन। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है, यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं। स्टार्ट मोनेटाइज सॉरी स्टार्ट पर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और सी आर पर क्लिक करता हूँ, एलो के बटन पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम फिर से वेट करते हैं, डन पर क्लिक करते हैं। डन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ऑन हो चुका है। हम यहाँ पर आ जाते हैं बैक, तो यहाँ पर देख सकते हो दोनों ऑप्शन यहाँ पर ऑन हो चुके हैं। अब जब भी आपका डाटा अगर कोई लीक होगा तो यहाँ पर आपको सी रिजल्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो भी डाटा लीक हो रहा है यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम बैक। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, योर कनेक्शन थर्ड पार्टी ऐप। तो यहाँ पर आपको सी ऑल पर क्लिक करना है, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो अगर आपको कुछ लगता है ऐसा कि मेरे यहाँ पर डाटा लीक हो सकता है, वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पर मान लो मुझे यहाँ पर जो जीवन साथी ऐप है इस पर यहाँ पर डाटा लीक होने का चांस लग रहा है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आना है, डिलीट ऑल कनेक्शन पर क्लिक करना है, कन्फर्म पर क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये रिमूव हो जाएगी आपके गूगल अकाउंट से। अब आपका कोई भी डाटा वो यहाँ पर हैक नहीं होगा। फिर यहाँ पर हम आ जाते हैं नीचे, और नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो एक और एप्लीकेशन है यहाँ पर जस्ट वॉच, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। फिर से यहाँ पर डिलीट ऑल कनेक्शन पर क्लिक करके कन्फर्म पर क्लिक करता हूँ। फिर से बैक आता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पर नीचे एक और एप्लीकेशन है रिकॉर्ड, यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से डिलीट ऑल कनेक्शन पर क्लिक करना है, कन्फर्म पर क्लिक करना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जो भी ऐसी एप्लीकेशन है जिसे आपको ऐसा लग रहा है, डाउट है आपके मन के अंदर कि आप का जो डाटा है वो यहाँ पर लीक हो सकता है, तो उन्हें आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। इस तरह से आप अपने गूगल की सेटिंग को करके, तीन सेटिंग करके आप अपने गूगल को सेव कर सकते हो और आपका डाटा लीक होने से बच सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।